हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है माय चैनल वोल 240 मैक में। व्यूवर्स, आज का मेथड है आईजीबीटी पर। इंडक्शन में हम आईजीबीटी का यूज करते हैं और व्यूवर्स हमारा आईजीबीटी बार बार शॉर्ट हो जाता है। तो व्यूवर्स, वो क्यों शॉर्ट हो जाता है आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी पे। और व्यूवर्स, आपको हम ये भी बताएंगे कि हम कैसे IGBT को यूज़ करें, कैसे IGBT को लगाएं जो हमारा IGBT शॉर्ट ना हो, और कि कौन कौन सा IGBT किस किस नंबर का, किस किस वाट का, हम किस वाट में इंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। व्यूवर्स, हम सब बताएंगे आपको थ्योरी में। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले व्यूवर्स मैं आपसे कहना चाहूँगा, व्यूवर्स वीडियो को फुल देखें, फुल वॉच करें, और वीडियो अच्छी लगे तो व्यूवर्स वीडियो को लाइक करें, व्यूवर्स वीडियो को शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूवर्स, तो व्यूवर्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, ये देखिए हमारे पास कुछ IGBT हैं हाथ में। ये देखिए हमने IGBT लिया है। ये देखिए, तो व्यूवर्स जैसे कि हमने यहाँ पे, ये देखिए IGBT, ये हमारा जैसे IGBT हो गया व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, इसकी ये पिन हमारी व्यूवर्स गेट होती है व्यूवर्स, ठीक है। ये पिन हमारी कलेक्टर होती है व्यूवर्स। ये पिन हमारी एमीटर होती है व्यूवर्स, एमीटर। तो व्यूवर्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला, जो IGBT का फॉर्मूला होता है, गेट कलेक्टर एमीटर। तो ये वर्क कैसे करता है, तो व्यूवर्स ये देख लीजिए, हमारा जो IGBT वर्क करता है व्यूवर्स, ये इस पर्पस पे करता है व्यूवर्स। ये हमारा गेट हो गया, ये हमारा एमिटर हो गया व्यूवर्स, और ये हमारा व्यूवर्स कलेक्टर हो गया व्यूवर्स। इस तरह से हमारा IGBT वर्क करता है, एमिटर गेट कलेक्टर एमिटर। तो व्यूवर्स, अब हमारे IGBT, जैसे देखिए मेरे हाथ में IGBT है, ये है 25N120, यानी कि 25N120 व्यूवर्स। तो इसको ही हम निकाल लेते हैं, इसी हिसाब से हम अपने IGBT को यूज कर लेते हैं। यानी कि ये 25 एम्पियर 120 वाट का ये IGBT होता है, ये 25 एम्पियर 120 वाट का IGBT है, 25N120। अब हम ले लेते हैं, जैसे ये देखिए 15R1203। तो ये व्यूवर्स, अब हम 15R1203, जैसे ये 15R1203, तो ये व्यूवर्स 15 एम्पियर 1200 वाट का ये IGBT होता है व्यूवर्स। आसान है व्यूवर्स। अब जैसे हम ले लेते हैं 25N120 व्यूवर्स, तो ये 25 एम्पियर 120 वाट का है। तो व्यूवर्स, इजीली आप इसको डिकोड करके आप अपने इंडक्शन में जो आपका इंडक्शन जितना एम्पियर ले रहा हो उस हिसाब से आप IGBT को लगा सकते हैं, ठीक है। आपको हमने बता दिया कि जो IGBT का जो कोड होता है उस कोड से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगा जो हमारा हम IGBT यूज करते हैं अपने इंडक्शन में और हमारा IGBT शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट क्यों हो जाता है, रीजन, जैसे ये हमारा व्यूवर्स ये सर्किट है व्यूवर्स, ये हमारा सर्किट है इंडक्शन का, ये इंडक्शन का ये सर्किट है व्यूवर्स, ये सर्किट हो गया इंडक्शन का व्यूवर्स हमारा, ठीक है। अब यहाँ हमारा IGBT के तीन, ये IGBT हमारे लगता है, यहाँ पे हमारा ब्रिज इलेक्ट्रीफायर लगा हुआ है व्यूवर्स, ब्रिज इलेक्ट्रीफायर हमारा लगा हुआ है, ठीक है।
तो ब्रिज इलेक्ट्रीफायर का जो नेगेटिव होता है वो हमारा यहाँ इससे जुड़ा होता है, गेट से, जहाँ मॉस्फेट लगाते हैं ये गेट से जुड़ा होता है। अब ये हमारा हो गया एमीटर वीवर्स, ये हमारा एमीटर हो गया, और ये पिन हो गई हमारी कलेक्टर वीवर्स, ये हो गई कलेक्टर, जो आपकी इलेक्ट्रॉल कॉइल से, इलेक्ट्रॉल जो कॉइल होता है हमारा उससे जुड़ी होती है कलेक्टर। यहाँ पे हमें 320 वोल्ट समथिंग मिलता है इंडक्शन में, ठीक है। ये 320 वोल्ट हमारा इंडक्शन में जो कलेक्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉल का कॉइल होता है उससे जुड़ा होता है, वहाँ 320 वोल्ट मिलता है। ये हमारा माइनस हो गया वीवर्स, यहाँ से जो हमारा ब्रिज से जुड़ा होता है ये हमारा माइनस हो गया, निगेटिव हमारी सर्किट का निगेटिव हो गया। अब ये हमारा निगेटिव हो गया, यहाँ हमें 320 वोल्ट मिल गया। अब व्यूवर्स जो बचा एमीटर, हम लोग जब मोस्फेट आईजीबीटी को लगाते हैं तो हम एक चीज गौर नहीं करते, बस हम अपने सर्किट को चेक नहीं करते, जिसके माफिक हमारा जो है आईजीबीटी शॉर्ट हो जाता है। तो व्यूवर्स हमें इसको चेक कैसे करना है, व्यूवर्स हमें चेक कैसे करना है, जो हमारा ये तीन पॉइंट हो गए, ये हो गया हमारा माइनस निगेटिव हो गया, ये हमारा हो गया कलेक्टर, ये हमारा हो गया एमीटर। तो व्यूवर्स हम मल्टीमीटर को ले लेंगे, मल्टीमीटर के ब्लैक प्रॉम को हम यहां पे रख लेंगे, मल्टीमीटर का ब्लैक प्रॉम, ठीक है, यहां रख लेंगे। अब हम रेड पॉइंट, रेड प्रॉम को यहां एमीटर पे रखेंगे और हमें यहां पर 0 वोल्ट मिलना चाहिए रिवर्स। हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, यहां हमें ब्लैक पे यहां रखेंगे नेगेटिव, माइनस यहां से लेंगे, और यहां पे जब हम रखेंगे हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहां तो हमें तीन कलेक्टर पे तो हमें 320 वोल्ट मिलेगा रिवर्स, यहां हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर हमें यहां 0 वोल्ट मिल रहा है तो हम अपना आईजीबीटी को यहां लगा दे, हमारा आईजीबीटी व्यूवर्स शॉर्ट नहीं होगा। और अगर हमें यहां पर व्यूवर्स 0 से 1 वोल्ट या 2 वोल्ट मिल रहा है तो व्यूवर्स हमारा पल्स पल्स विद मॉड्यूलेशन गड़बड़ है, पल्स विद मॉड्यूलेशन हमारा गड़बड़ है, तो हमें अपना सर्किट में पल्स विद मॉड्यूलेशन को चेक करना पड़ेगा व्यूवर्स। पल्स विद मॉड्यूलेशन अगर हम चेक कर लेंगे तो हमारा आईजीबीटी शॉर्ट नहीं होगा, वहां अगर हमें शॉर्टिंग होगी तो हमारा आईजीबीटी शॉर्ट होगा। तो व्यूवर्स ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन की हमने वीडियो अपने डाली है, अपलोड करी हुई है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि अगर जो है हमारा शॉर्ट हो रहा है, जीबीटी शॉर्ट हो रहा है तो उसका तो हमने, मैं आपको बता दिया, अगर पल्स विद मॉड्यूलेशन अगर हमें एमीटर पर 1 वोल्ट या 2 वोल्ट मिल रहा है तो अपना पल्स विद मॉड्यूलेशन को हम कैसे ठीक करेंगे उसकी वीडियो हमने बना दी है, वो वीडियो हमारी पड़ी है, आप चेक कर लें, वहाँ से आप देख सकते हैं व्यूवर्स। और आईजीबीटी को है कैसे चेक करना है व्यूवर्स, ये जो हमारा आईजीबीटी है, आईजीबीटी को हमें कैसे चेक करना है इसकी भी वीडियो व्यूवर्स हमारी पड़ी है, वहाँ चेक कर ले। तो व्यूवर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। व्यूवर्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूवर्स मेरी वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, एक दो लोग को तो जरूर शेयर करें।